जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक ने शहर में चल रहे राशन के डिपो पर नकेल कसनी आरंभ कर दी है, जिसके चलते जगह जगह डिपो पर छापेमारी की जा रही है। जिस भी डिपो में अनियमितताएं पाई जाती हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उसे सबक देने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा कुछ दिन पहले भी डिपो पर औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें आधा दर्जन भर डिपो में विभाग सख्त कार्रवाई करने का मन बना चुका है। अधिक जानकारी देते हुए जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक मिलाप शांडिल ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि शहर में चल रहे राशन के डिपो में गड़बड़ चल रही है, तो उनकी टीम ने राशन के डिपो का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 6 उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितताएं पाई गई थी। डिपो के संचालक को विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, जिनका जवाब आ चुका है। अब उन्हें विभाग के सामने हाजिर किया जाएगा। अगर अनियमितताएं साबित होती हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। प्रदेश में 15 दिसंबर तक नशाखोरी के विरुद्ध कार्यान्वित किए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस सोलन द्वारा लॉन टेनिस प्रतियोगिता संकल्प का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन शिव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस लॉन टेनिस प्रतियोगिता में इच्छुक खिलाड़ी 3 श्रेणियों में भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता की प्रथम श्रेणी में 30 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी तथा द्वितीय श्रेणी में 30 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी एकल प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता की तृतीय श्रेणी में सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी युगल प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन शिव कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ विशेष अभियान सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसके चलते सोलन में लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जो भी लोग खेल से जुड़े हैं, वे इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लें और प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में अपना योगदान दें। उन्होंने बताया कि संकल्प प्रतियोगिता की प्रत्येक श्रेणी में विजय रहने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी में पहले पुरस्कार के रूप में 5,100 रुपए तथा दूसरे पुरस्कार के रूप में 3,100 रुपए प्रदान किए जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने अवैध खनन को लेकर विपक्ष के हंगामे पर तंज कसा है। तपोवन विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ये चाहे सभा में अभी बटालियन भेजे तो ये संभव नहीं, इसको लेकर विपक्ष का इतना जिद्दीपन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में अवैध खनन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से चर्चा हुई, जब मंत्री जवाब दे रहे थे तो जवाब को स्वीकार करना चाहिए था। सदन में बैक आउट करना ठीक नहीं था, विपक्ष में बटालियन भेजने की बात की है, हमने कहा कि इस पर विचार करेंगे, हर पहलू पर सोच विचार होगा, अगर बटालियन भेजना आवश्यक लगा तो इस मामले में आगे बढ़ेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज नहीं, ये कई साल से चला है, जब बीजेपी सरकार आई तो अवैध खनन पर सख्ती की गई। सदन में मंत्री ने बताया कि वे खुद कई बार औचक निरीक्षण पर गए हैं और अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसा है।